जाते समय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार शाम जयपुर जंक्शन पहुंचे, जहां जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा समेत रेलवे के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी इतने बड़े स्तर पर रिक्रूटमेंट करवा रही हैं, पेपर लीक और अन्य घटनाएं युवाओं के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। पहले 75,000 अब 71,000 को नियुक्ति दी गई। ग्रुप डी भर्ती में 85 लाख लोगों ने पारदर्शी तरीके से परीक्षा दी। राजस्थान में लॉन्ग टर्म विकास के लिए मोदी जी का सपोर्ट करना होगा। पहले राजस्थान को मात्र 642 करोड़ रुपए मिलते थे, आज 7,665 करोड़ रुपए का राजस्थान को एलोकेशन किया जाता है। आज 12 किलोमीटर रोज रेल पटरी डाली जाती है, 1400 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का विकास किया जा चुका है। राजस्थान में जल्द वंदे भारत ट्रेन आएगी। अभी हर माह 2 ट्रेन बन रही हैं, फरवरी से 4 ट्रेन बन सकेंगी। देश के 75 शहरों को वंदे भारत से जोड़ा जाएगा। जयपुर के गोविंद देव मंदिर परिसर में अव्यवस्था